मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित पानीपत खटीमा मार्ग से नेशनल हाईवे 58 को जोड़ने वाले लिंक रोड पर फ्लाईओवर बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का पिछले 73 दिनों से धरना चल रहा है, जिसको लेकर सोमवार को विपक्षी पार्टियों के विधायक नीतागढ़ और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी इस धरने पर पहुंचे थे। धरना स्थल पर एक पंचायत आयोजन की गई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया कि जब तक ग्रामीणों की मांग के अनुरूप ये फ्लाईओवर नहीं बनेगा तब तक यह धरना बदस्तूर जारी रहेगा। दरअसल पानीपत खटीमा मार्ग पर नेशनल हाईवे 58 को जोड़ने के लिए एक लिंक रोड बनाया गया है, जो खेड़ी दूधाधारी गांव से होकर गुजर रहा है। यहां के ग्रामीणों की मांग है कि यहां पर NH द्वारा फ्लाईओवर बनाया जाए, जिससे कि यहां पर सड़क दुर्घटनाएं ना हो, जिसको लेकर यहां के ग्रामीण पिछले 73 दिनों से इस लिंक रोड पर धरने पर बैठे हैं, जिसको लेकर धरना स्थल पर विपक्षी पार्टियों के विधायक और नेतागढ़ के साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी पहुंचे थे, जहां एक पंचायत का आयोजन भी किया गया था। इस पंचायत में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है कि नेशनल हाईवे के द्वारा यहां पर फ्लाईओवर बनाया जाए। साथ ही इस पंचायत में यह फैसला भी लिया गया है कि जब तक यहां फ्लाईओवर नहीं बनाया जाएगा तब तक ग्रामीणों का यह धरना बदस्तूर जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बताया कि शामली से लेकर मुजफ्फरनगर तक हाईवे बनने के बाद लगभग 50 से 55 के करीब आदमी मर गए हैं। लोगों की समस्याओं का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को यह बात गंभीरता से लेनी चाहिए और बात का समाधान करना चाहिए। जरूरत है शामली से लगाकर मुजफ्फरनगर तक कम से कम जीवित हाईवे बनने लग रहा है। 50-55 के करीब आदमी मर दिए, तो क्या ये मरने के लिए ही है? ये यही तो चाह रहे भाई, हमको पुल बन जाए, ठीक हो जाए। आदमी ये 7-8 गांवों का रास्ता है, हमने भी आज यहाँ के देखा, यहाँ तो पुल की वाकई ज़रूरत है। तो इन्हें कोई शौक तो नहीं, इन्होंने ज़मीन दे दी महंगी ज़मीन, सोने की भाव की ज़मीन और कोड़ियों के भाव में इन्होंने दे दी। क्या ये जीने के लिए अभी आंदोलन करेंगे? ये यहाँ को पुल की ज़रूरत है, पुल बनवाओ। नेशनल हाईवे पर पैसा है, काफ़ी पैसा है, उसमें यहाँ का पुल बनवाओ। ये आदमी ठीक ठाक है, बच्चे भी हमको निकलेंगे और ये कह रहे हैं 4 फुट नीचे, इसे अच्छा पुल बनवाओ, 12-13 मीटर लंबा पुल बने और उसमें को सड़क के बराबर का हो, अच्छा लगे। लोगों की जो समस्या है उनकी समस्याओं का समाधान करें, यही तो जिम्मेदारी है। ठीक है साहब, ये बताइए लगातार धरने पर ये लोग बैठे हैं, क्या कारण है जो ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही है ग्रामीण? नहीं, ये तो कुछ ना कुछ चतुर राजनीति के भेंट चढ़ रहे। यहाँ के जो जिम्मेदार है, जो राजनीति क्षेत्र में है, जिनकी जिम्मेदारी है, वे उन्हें गंभीरता तो बात लेनी चाहिए। जिले के चारों तरफ सड़क बनाई गई है, बहुत अच्छी चर्चा की जाती है, देश में नितिन गडकरी जी भी लगातार इस बात को सड़कों को लेकर बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समस्या बड़ी दिखाई दे रही है। नहीं, हम मने तो नहीं करते भाई, जब हमने अपनी जमीन दे दी, इसका तो एक हमने तो वो कर दिया, समर्पण कर दिया भाई, जमीन दे दी हमने, विकास में हम बाधा तो नहीं बनते। पर जो जीवन की है बात, हमारी जिंदगी की बात है, हमारे बच्चों के भविष्य की बात है, क्या उसके लिए भी हमें ये आंदोलन करने पड़ेंगे? जहाँ से पुल की जरूरत है वहाँ पुल, चाहे जहाँ कट की जरूरत है वहाँ कट दे, जहाँ बरोबर में सड़कों की बात है वो सड़क बनानी चाह, तो जो समस्या जिस क्षेत्र की जैसी जैसी समस्या है उसका समाधान करना चाहे ना। साहब, अगर पुल नहीं बनता है तो आगे भी ये धरना इसी तरह चलता रहेगा? नहीं, ऐसा और क्या करे, मजबूरी है। वहाँ से एक बिटावदे में जिद के मारू पुल बना लग रहा था, वो जिद के मारू वहाँ से उखाड़ लिया, वहाँ से 15-16 आदमी मर लिया अब तक। क्या हुआ काम है कि उसमें भी इस तरह की बात हो रही, कितने हादसे वहाँ से, ट्रैक्टर ट्रोली बुक के झोटा या आदमी कितने मर लिए। तो हम तो यही तो हम ज्यादा नहीं, हम वो कहते हम लोग कहते भाई कि हम मरण के लिए आई है क्या? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान यहाँ जो धरना चल रहा है इससे कुछ ही दूरी पर उद्घाटन करके गए हैं सड़क का, क्या इसमें भी मानते हैं कुछ यहाँ तक नहीं आए, किस तरह की कोई जिद मानी जाती है? नहीं, आने चाहो ना यहाँ से, क्या बात है, इसमें तो कोई पार्टी की, कोई मजहब की, कोई किसी की कुछ बात नहीं है। किसान है, मैं भी किसान है, इसी क्षेत्र के है, जिम्मेदार है, उन्हें गंभीरता तो लेनी चाहिए। पर सरकार में है, सरकार में मंत्री है, सांसद है इस क्षेत्र के, तो उनकी जिम्मेदारी बने लोगों की समस्या दुख दर्द समझना चाहो ना, और अच्छा लगे वो ही रहे बातचीत। ठीक, आगे क्या रूपरेखा रहेगी आंदोलन की?
भाई आंदोलन तो चल ही रहा है, इतना कोई समाधान नहीं होता, तो जनता के सामने तो यही बात है, जनता तो बैठी रहेगी। यहाँ यहाँ थोड़ा ये भी यहाँ इस पर टोल पर था, वो समाधान हुआ उसका, वहाँ से ओरा चल रहा, कई जगह चल रही जगह जगह, तो सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए बात और समाधान करना चाहिए बात का। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।